even for tampons, even for pad, even for smallest of पानी पूरी, हर चीज के लिए परेशान करते थे मुझे। छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान करते थे। मुझे घर चाहिए था, मुझे पति चाहिए था, मुझे बच्चा चाहिए था। विधायक बनना है इनको खाली, उसके चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर दे, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी उस औरत ने। उसकी माँ के लिए स्पाउस एक पैसा कमाने का जरिया है। एक्चुअली बेटे बेटे को बहू के साथ रहना चाहिए, बट ये होता है जब माँ साथ में रहने नहीं देती। 20 रुपए का अगर मैं वड़ा पाव खाती थी ना, तो वो भी मुझे प्रवीण को लिख के देना पड़ता। शादी के 48 आवर्स के भीतर ही पलट गया कि हम 6 महीना अभी बेबी नहीं करेंगे। इनका ये प्लानिंग था कि शादी हम झूठ बोल के कर लेंगे कि लड़का बॉम्बे आ रहा है। लड़का तो बॉम्बे कभी आना ही नहीं था। किसी को ये ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि ये फाइनेंशियली मुझे ब्रेक करना चाहती है परिवार। आज जिस पर्सनालिटी से हम बात करेंगे, पिछले 30 सालों से ये इंडस्ट्री में एक्टिव है। कई सारे टीवी सीरियल्स के जरिए इन्होंने हमें कहानी घर घर की बताई है। ये कभी शगुन में नजर आई है, तो कभी दिया और बाती हम में हमें नजर आई है। हमें आदत है इन्हें हर रोज टेलीविजन पर देखने की। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस सुरभि तिवारी की। वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। 2019 में आपकी शादी की खबरें आई थी मीडिया में सब तरफ और सभी ने बधाइयाँ दी थी। कट टू 2022 में हम सुनते हैं कि सुरभि के साथ ये हुआ। कैसे आपको पता चला कि आपका गलत डिसीजन हो गया है या आपके साथ गलत हो गया है? एक्चुअली शादी के 48 आवर्स के भीतर ही प्रवीण गोवा में थे, हम लोग पलट गया कि हम 6 महीना अभी बेबी नहीं करेंगे। तो वो पहला ब्लो था मेरे लिए, बिकॉज दोनों की लेट शादी थी। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर ठोक बजा के तय था कि हम फर्स्ट ईयर ही हम बेबी प्लान करना शुरू कर देंगे। तो जब वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो 6 महीने बच्चा करना ही नहीं है, तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा तभी। बट शादी को 48 आवर्स भी नहीं हुए थे, तो मुझे लगा कि परेशान होगा, यू नो, नहीं, अचानक से लड़की आ गई लाइफ में। थोड़ा सा होता ना, लड़के थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसे गिव हिम टाइम। तो मैं आई वॉज जस्ट गिविंग हिम टाइम एंड ही स्टार्टेड डिमांडिंग पैसे कि जो तुम्हारे रिसेप्शन पे और जो शादी में जो तुमको एनवलप में जो कन्यादान के पैसे आए वो कितने आए मुझे बताओ। एंड देन ही सेड कि रिसेप्शन पे तो तुम मेरा मैंने दिया हुआ है, तो रिसेप्शन पे जो भी तुम्हें पैसे आ रहे हैं वो मुझे बताना, मुझे चाहिए। सो आई वाज लाइक आई सेड मे बी ही सस्पेंडेड एंड ही इज़ नॉट, दैट्स व्हाई ही इज़। तो हम लोग ना हर चीज़ को प्रेशर समझ के इग्नोर कर रहे थे। सो मैंने उसको लिख के देना शुरू कर दिया कि एनवलप में इसने इतने दिए। देन ही उसको समझ में आया कि अरे ये तो राइटिंग में मुझे लिख के दे रही है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देन ही सेड नहीं, ठीक है, तुम अपने पास ही रखो, तुम अपना खर्चा करो एंड ये करके। मुझे पता नहीं था कि वाई इतने कॉन्शियस क्यों है कि वो लिखित में क्यों नहीं मेरे से ले रहा है। वो बाद में पता चला कि उसकी मॉम जो है, द डे सुशांत सिंह राजपूत डाइड, दैट डे आई केम टू नो बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द रिलेटिव्स इनके झारखंड में, एक रिलेटिव, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी मॉम बीजेपी के महिला आयोग में है और इनको ये सारे कानूनी दावपेच बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ लिखित में नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो ना, आप जितना भी प्रवीण के मेरे चैट्स पढ़ोगे ना, आई एम द ओनली वन हु इज़ राइटिंग। वो जवाब ही नहीं देता है, चाहे उसको कुछ भी आप लिखो कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, वो रिवर्ट बहुत कम रिवर्ट बैक करता है। वो फ़ोन पर बात करेगा वो, एंड उन दिनों में उसका फ़ोन रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। इनिशियली आप समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। शादी को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और कोर्टशिप में आपकी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रवीण के साथ? आई 2017 में जब उसकी मॉम से मेरी बात हुई, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वॉज विद मॉम, दैट वॉज सेप्टेम्बर एंड। अक्टूबर में मेरी प्रवीण से बात हुई, हम अक्टूबर एंड में मिले, हम नवंबर में मिले, जनवरी से प्रॉपरली वी स्टार्टेड टॉकिंग। बट मैं हाँ नहीं बोल रही थी बिकॉज वही बॉम्बे दिल्ली, और मेरा ना पहला कॉन्वर्सेशन यही था कि मैं तो करियर नहीं छोड़ूंगी और मैं बॉम्बे भी नहीं छोड़ सकती। तो इसे मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँगा, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये तय है कि तुम बॉम्बे शिफ्ट होगे तो आगे बॉम्बे रहने वाले थे हम लोग, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ये शादी के बारे में बात करके। फिर आई टोल्ड येस टू हिम इज प्रैक्टिकली आफ्टर मई तक मैं आई वॉज कंटेम्पलेटिंग, यू नो, बात हो रही थी हर दिन, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, पर वो पीछे पड़े हुए थे। मतलब मैरिज ब्यूरो को भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, यू नो, हमें लड़की पसंद है एंड यू नो
उन लोगों ने उनको भी बहुत इतना बदमाशी की कि वो भी कोई और प्रोफाइल मुझे अच्छी दिखाई नहीं रहती कि यहाँ अगर बात चल रही है तो उनको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बहुत मैनिपुलेट किया वहाँ पे भी उन्होंने। इनका ये प्लानिंग था कि शादी हम झूठ बोल के कर लेंगे कि लड़का बॉम्बे आ रहा है, लड़का तो बॉम्बे कभी आना ही नहीं था, इसको हम दिल्ली शिफ्ट करवाएंगे, इससे इसकी फैमिली छुड़वाएंगे, हम सिर्फ फिल्म और OTT इसे करने देंगे, इसको TV सीरियल नहीं करने देंगे बिकॉज TV में ज़्यादा पैसा कमाएगी है और हो सकता है बड़ा लॉयर भी हायर कर ले, तो इसका बैकबोन तोड़ो। मतलब मेरे जितने भी बहुत वेल टू डू और बहुत ही वेल कनेक्टेड दोस्त हैं उनको इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मेरी लाइफ से निकालने के लिए कि इसको अकेला कर दो, अकेली हो जाएगी, पैसा नहीं होगा तभी तुम्हारी मुट्ठी में आएगी और फाइनेंशियली है ना इसको पूरा अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दो। तो बच जब पैसे की जरूरत होगी तो हम सीधा यही बोलेंगे भाई तू हमारा ये काम कर, तो हम तुम्हें पैसे देते, विच दे वर डूइंग इट, कर रहे थे वो ऐसा कि तुम ये हम ये करो तो हम तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, तुम अपने आई हैव फ्रेंड्स हुआ बिल्डर्स हुआ 10,000 crore पीपल इन कैलकटा और मुझे प्रेशर था कि उनको बोलो बिजनेस शुरू करने के लिए। एक्टर्स को हिनम्बा फेस्टिवल के लिए लेकर आई, अब एक्टर्स को बोलो मेरा बंगलो खरीद लें, हमें प्लॉट लेके बंगलो बनाता हूँ, उनको बोलना कि ले लें, एवरीथिंग मुझे एनकैश करने की कोशिश कर रहे थे एज अ ट्रॉफी और आपको इस्तेमाल करना और आपकी पॉपुलैरिटी पर एनकैश करना था उनको। एवरीथिंग वाज वेरी वेरी फिशी, वेरी प्लॉटिंग प्लानिंग। एक्चुअली इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली, माँ का बाप के साथ नहीं जमता है, बाप का माँ के साथ नहीं जमता है, प्रवीण का फादर के साथ नहीं जमता है, दोनों बहनों का प्रवीण के साथ नहीं जमता है, तो बहुत ही मतलब और दे आर वेरी डिसफंक्शनल, शायद जिसकी वजह से आज पूरा परिवार बर्बाद है टोटली। मतलब शिल्पा सिन्हा है प्रवीण को राखी भी नहीं बांधती है, श्वेता सिन्हा की उसकी मॉम और प्रवीण ने शादी नहीं होने दी बिकॉज शादी कर लेगी तो पायलट नहीं बनेगी, पायलट नहीं बनेगी तो 1 crore रुपए कहाँ से ला के देगी माँ को, तो विधायक बनना है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए, तो माँ ने बेटी की शादी नहीं होने दी है। और जब ये सब पता चला तो मैं सर पकड़ के बैठी थी कि मैंने कहाँ शादी कर ली, जब ये अपनी घर की लड़की अपनी कोक की जनी लड़की के साथ ये औरत ऐसे कर रही तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट नेचुरली शी विल डू दिस विद मी। इस दौरान आप काम भी कर रही थी कि काम छोड़ दिया? हाँ, मैं मिल रही थी, मैं फिल्मों के लिए मिल रही थी। ऑल्ट बालाजी का एक शो भी हो गया था बट वो प्रवीण ने मुझे करने नहीं दिया एंड बालाजी के 2 shows मैंने छोड़ दिए, मैंने काफ़ी काम छोड़ा, काफ़ी काम, फिल्में छोड़ी मैंने, TV छोड़ा, बहुत काम छोड़ा मैंने। मतलब आपकी अर्निंग तो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, आप धीरे धीरे डिपेंडेंट हो रही थी फैमिली पे। जो उनकी प्लानिंग थी वो एज पर दे प्लानिंग सब चीज़ हो रही थी कि इसको काम मत लेने दो, किसी को ये ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि ये फाइनेंशियली मुझे ब्रेक करना चाहती है परिवार, क्योंकि इनको पता था कि ये तो धोखा देने वाले हैं, किसी किसी ने तो वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में नहीं सोचा था कि ये धोखा देंगे, इस लेवल पे धोखा देंगे, तो उन्हें बच्चा भी नहीं, उन्हें नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, बच्चा तो उसकी माँ बोलती है कि प्रवीण की मॉम ने जो उसके डैड के साथ में किया वो प्रवीण ने बचपन से देखा है कि मेरी माँ पटना के घर में, पटना का घर उन्होंने बनवाया फादर के पैसे से, वो वहाँ पे बच्चों को कॉन्वेंट में डाल दिया, उसके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, SBI में मैनेजर थे वो, तो उसकी मॉम ने तो सीधा हाथ खड़े कर दिया, मैं तो तुम्हारे साथ आऊँगी नहीं, मेरे बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, इनका तो भविष्य खराब हो जाएगा, तो मैं तो आऊँगी नहीं, और बच्चों के नाम पे वो पैसे देती थी फादर से, तो प्रवीण ने तो सीधा बोल दिया मैं तो बच्चे करूँगा नहीं, घर भी नहीं लूँगा, यही रीज़न है घर नहीं लेने का, बिकॉज उसने अपनी माँ को ही खुद देखा है करते हुए उसके फादर के साथ में, कि घर ले लिया तो ये आप घर से तो निकाल नहीं सकते बीवी को, बच्चे हो गए तो उनके नाम पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, यही रीज़न है कि प्रवीण ना घर ले रहा है ना बच्चे कर रहा है, बिकॉज उसने खुद की माँ को देखा है करते हुए। मीडिया में ये भी है खबर कि आपके जो हस्बैंड थे उनकी पहले भी एक एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो भी टूटी थी, तो आपने क्या ये पास नहीं पता किया था? नहीं, मुझे बताया गया था, इनफैक्ट मैरिज ब्यूरो ने मुझे पहले बता दिया था कि इसका एक एंगेजमेंट टूटा है, व्हाट इज द रीजन, तो बोले कि नहीं वो दोनों कहीं घूमने गए थे और प्रवीण से थोड़ी बदतमीजी हो गई तो वो लड़की उसको वहीं डम करके चली गई। शादी के बाद मुझे धीरे धीरे पता चलने लग गया कि प्रवीण कहता था कि वो रिलेशनशिप टूटने की वजह से मेरी गलती है, बट प्रवीण के अलावा उसकी मॉम का बहुत बड़ा हाथ था वो रिलेशनशिप टूटने में। शी वॉज एन एक्टर, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, शी वॉज एन एयर हॉस्टेस लेटर ऑन, एंड उसने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मैं शादी के बाद हाउस वाइफ रहना चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क। तो ये लोग ऐसे ही हाँ 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 करते हैं, फिर सगाई वगाई कर ली
और सगाई की बाद में उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि तुमको तो पायलट बनना पड़ेगा, पैसे कमा के लाओ, माँ को विधायक बनाना है। ये आपको बाद में पता चली? मुझे प्रवीण ने खुद बताया शादी के बाद। इट केम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि मैं उसको टॉर्चर करता था। और ये लोग क्या है ना, जैसे इनकी आप बात नहीं सुनो ना तो ये लोग चिड़ के ना आपके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। ये लोग आपसे इतना चाहते हैं ना और आप उनको वो चीज नहीं दो जो चाहते हैं तो फिर वो चिढ़ जाएंगे। आपके साथ भी हुई बदतमीजी कभी फैमिली मेंबर्स ने कभी? क्या खाने के टेबल से खाना खाते खाते मुझे उठाया जाता था। प्रवीण ने तो ये एयरपोर्ट पे किया है, पूरे भरे एयरपोर्ट पे उसने मेरे साथ बदतमीजी की है दो बार। क्या किया? He started shouting and yelling, चिल्लाने लग गया एयरपोर्ट पे सबके सामने। मतलब खाना से उठो उठो, तुम नहीं खाओगे अभी, तुम बाकी का फ्लाइट में खा लेना, फ्लाइट में खाना मिलता है, उठो तुम। बस ही वॉज, उसका मूड उसको बुरा लग गया, वो खड़ा था। घर में फैमिली ने कभी बदतमीजी की? बहुत बार। फिर आपने छोड़ दिया घर? मैं दोबारा उस घर में कभी नहीं गई। फिर प्रवीण कभी आपको बुलाने नहीं आए? हाँ, प्रवीण ने कई बार पैचअप करने की कोशिश की, बट वो खुद भी तो वैसे ही है ना, वो खुद भी तो ही इज ऑल्सो बदतमीज, ही इज नॉट लेस। सी प्रॉब्लम ये है कि इनको पैसा नहीं बना के दो तो सब बदतमीजी पे आ जाते हैं, तो वो भी तो कोई कम तो है नहीं। बट प्रवीण थोड़ा सा इनसे बेटर है, थोड़ा सा। आपको खाने पीने के लिए भी बहुत टॉर्चर किया जाता था और बहुत सुनाया जाता था, बॉडी शेम किया जाता था? इवन 20 रुपए का अगर मैं वड़ा पाव खाती थी ना तो वो भी मुझे प्रवीण को लिख के देना पड़ता था। वो मुझे महीने के 10,000-20,000 देता था, अगर तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगी तो मैं तुमको 10,000 दूंगा, क्योंकि ज़रूरत तो है ना इतने पैसों की। क्रेडिट कार्ड दिया था, उसका OTP उसके पास आता था। अच्छा। सो इवन पानी पूरी खाया तो उसको लिख के दो। गाड़ी तो उसने मेरी बिकवा दी थी, तो ऑटो में जा रही थी तो ऑटो का स्क्रीनशॉट लेके इसको भेजना पड़ता था कि इतना मीटर का रीडिंग, मतलब आप मुंह से कह दो कि इतना हुआ तो वो नहीं माना जाता था उसको ना। जब ये सब चीज उसको लिख के दो ना कि आज मैं यहाँ गई, मैंने ये खाया, खाने की मेरे पास बिल्स की फोटोग्राफ है, राशन भरवाए उसके हैं, आम मैंगोज हापुस अगर खरीदा है ना तो उसको वो भी खींच के दो कि 2 दर्जन उसने बोला है तो मैंने 2 दर्जन ले लिया है। वो उसका उसे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं कि उसने 1 दर्जन मंगाया बाकी के पैसे उसने अपने पास रख लिए। I can't tell you, with even for tampons, even for pad, even for smallest of pani puri, हर चीज़ के लिए परेशान करते थे मुझे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करते थे। इसको तंग करो, इसको बॉम्बे में मत रहने दो, इसको इससे पैसा हटा दो, इसका बैकबोन तोड़ दो, तो ये वो करेगी फिर जो हम चाहते हैं। ये फेस रहेगी और दिमाग हमारा चलेगा, इसका शरीर रहेगा दिमाग हमारा चलेगा। तुमको पता नहीं सुरभि तुम्हारी क्या वैल्यू है, यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, पता है हमको पता है तुम्हारी जगह कहाँ पर है, यू कैन डू वंडर्स इन पॉलिटिक्स, यू नो। आपका इस्तेमाल करने की कोशिश है और वो ही मैं होने नहीं दे रही थी। सी मैं आपको फैमिली भी चाहिए थी, बच्चा चाहिए था, एक अच्छी फैमिली, मुझे घर चाहिए था, मुझे पति चाहिए था, मुझे बच्चा चाहिए था, उसके विपरीत ही हो रहा था हर चीज, एवरीथिंग, यू नो। और मैंने प्रवीण को ये बोला था कि प्रवीण ठीक है तुमने जो किया जो ठीक है यार, वट एवर यू हैव डन, ठीक है तुम ना मेरे को शांति से डिवोर्स दे दो। तो ही सेइंग कि मैं तो डिवोर्स भी नहीं दूंगा, मेरा स्त्रीधर मुझे लौटा नहीं रहे हैं, उसकी माँ उस पर भी चोखड़ी मार के बैठी हुई, ठीक है थे तू रख ले भाई, तू बहुत लालची औरत है पता है, जब अपनी बेटी की ना हुई, अपनी पति की ना हुई, अपनी बहू की कहाँ से होगी, तू रख ले। मैंने कहा तुम मेरा स्त्रीधर नहीं दे रहे हो, तुम्हारा जो जेवर है ना मैं तुमको वो भी वापस करती हूँ, तुम ले जाओ, तुम्हारी माँ ने वैसे भी 18 कैरेट का सोना दिया, तू ले जाए आज, तुम्हें को पेपर पे साइन करके देते हैं, हम लोग शांति से अलग हो जाते हैं, तुम अपना प्रधानमंत्री बनो, जो बनना है वो बनाओ, मुझे छोड़ दो, मैं बॉम्बे में खुश हूँ, तो मैं तुमको डिवोर्स भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं डिवोर्स दूंगा? क्योंकि मैं 50 साल की उम्र में थोड़ी ना दोबारा शादी करूंगा, तो मैं घर भी नहीं लूंगा, मैं वहाँ के रहूंगा भी नहीं, मैं बच्चे भी नहीं करूंगा, मैं फाइनेंस भी नहीं करूंगा, तुमको पैसे भी नहीं दूंगा, मैं डिवोर्स भी नहीं दूंगा। और उनका डायलॉग क्या होता था, हम तो आरा के लोग हैं, हमारा तो नक्सलियों के साथ उठना बैठना है, उसकी मॉम मुझे ऐसे डराती थी। एंड प्रवीण का एक ही लाइन होता था, जब आरा में घर भा फिर काहे का डर भा। अच्छा। ये मुझसे ऐसे सेइंग बोल के मुझे डराया जाता, मतलब जान की भी काइंड ऑफ धमकी हो गई है। मुझे प्रवीण क्लियरली बोलता था तुम पट्टा होगी तो तुमको मार के गाड़ देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम खुद कहाँ गई हो। माय गॉड, इस तरीके का धमकाना कि कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो तुम, खबरदार जो किसी को कुछ बोला तो मैं आज बोल रही हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इधर ही हूँ मैं।
आप नहीं डरती, बहुत हो गया, ये 8 महीने से नौटंकी चल रही है, आप लोगों को तो अब पता चला। मैं शांति से अलग होना चाहती थी, मैं ना मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, ना मैं डोमेस्टिक वायलेंस कुछ करना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं शांति से अपनी लाइफ जीना चाहती थी, बट इनका लालच, इस औरत ने अपने लालच के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर दिया, पूरा घर, अपनी बेटी नहीं, अपना बेटा नहीं, कुछ नहीं, विधायक बनना है इनको खाली, उसके चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी इस औरत ने, बिकॉज ऑफ माई वेट, मेरा लीवर डैमेज होने पे, मैं प्री डायबिटिक हूँ, मेरी स्किन की ये सब हालत है, बट आई एम मच बेटर नाउ, आई एम मच बेटर एंड आई एम गोइंग टू फाइट दिस आउट। नहीं, आप स्ट्रांगली फेस कर रहे हो और बहुत करेजियसली आपने हैंडल किया है सारी सिचुएशन को। हो गया, आई वाज डिप्रेस्ड। आपकी कहानी जब बाहर दूसरी लेडीज तक पहुंचेगी तो शायद वो भी खड़ी हो और अपने लिए बोले, प्लीज मत सर हो, मैं तो मेरे दोस्तों की वजह से फंसी थी, मैं जो, मुझे तो दूसरे महीने समझ में आ गया था कि धोखा हुआ है शादी में, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि इतना जल्दी कैसे तुमको डिवोर्स फाइल करना है, तुम अभी तो शादी हुई तुम्हारी, 2 महीने तुम्हारे हुए नहीं है, एंड तुमको क्यों लग रहा है वो धोखा दे रहा है, नहीं नहीं वो बौखलाया हुआ है, तुम समझती नहीं, लड़कों ऐसे लड़के डर जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के, एंड इतना लेट शादी हुआ है तो एडजस्टमेंट में उनको लग रहा था कि एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है, बट दिस वॉज नॉट एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है, इट वॉज वेरी क्लियर कि भैया हम तो यही करेंगे इसके साथ में, और ये समझ भी नहीं रहे थे लोग, फिर हर दिन एक 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 चीज़, बट जब व्हेन रिकॉर्डिंग स्टार्टेड पोरिंग इन, व्हेन सब इनको मैं फॉरवर्ड करने लग गई कि तुम लोग बोलते थे ना आप सुनो ये देखो, तब दे सेड कि निकल ले अब नहीं रहना इसमें, बट आपने मेरे 2.5 साल वेस्ट किया, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं, आपने अपना करियर छोड़ा है, कमाई गई है, एक औरत क्या कर सकती है अपना शादी बचाने के लिए, करियर वरियर सब छोड़ के, जो लड़की 4-4, 3-3 सीरियल एक साथ में करती थी वो सब कुछ छोड़ के, बड़े बड़े फिल्म छोड़ के सब करके, यू नो, और क्या कर, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ गलती कर ली अपनी शादी बचाने में, बट उनको शादी तो थी नहीं ना उनके लिए, तो उसकी माँ के लिए स्पाउस एक पैसा कमाने का जरिया है, खुद वही की, बेटे से भी वही करवाया, अब अगर दामाद भी नहीं सुनेंगे ना तो ये बंदी उधर भी शादी नहीं चलाने नहीं देगी, मैं मुंह पे बोलती हूँ ये औरत किसी की शादी नहीं चलने देगी जब तक वो नहीं चाहती अगर आप करो तो। मीडिया में आपने बात करना शुरू किया उसके बाद आपके हस्बैंड या उनके फैमिली की तरफ से अप्रोच किया गया, आपको कुछ बोला गया कि ऐसा मत करो या ये, यू नो व्हाट इज इट, जब न्यूज ब्रेक हुई उसको फोन आने शुरू हो गए, यू सेड कि ओ तो तुमने फाइनली मीडिया को बता ही दिया, तो आई सेड ये तो 1.5 महीने से चल रहा था राइट प्रवीण, देन ही सेड कि मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा, मैंने कहा ये तो मुझे बोलना चाहिए, आई एम द वन हू स्टिल यू नो, मैं कोई डर्ट वन नहीं कर रही हूँ। सुरभि जी, आपने जो कुछ भी कहानी सुनाई है उससे पता चला है कि मेंटली आपको बहुत टॉर्चर किया गया, क्या कभी फिजिकली या सेक्सुअली भी टॉर्चर हुआ है? सेक्सुअली तो टॉर्चर बहुत नेचुरल है होना ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज प्राइवेसी नहीं मिलती थी ना उसके घर में हम लोगों को, तो वो जब भी मिलता था वो बहुत ही एग्रेसिव होता था। द लास्ट टाइम जब मैं उसको मिली थी ये समझाने के लिए कि देखो प्रवीण बिल्कुल भी नहीं शादी चल रही, तुम सुकून में रहो मैं भी रहती हूँ, मेरी लॉयर नहीं चाहती थी हम फाइट करके अलग हों, और मुझे भेजा गया था कि मैं जाके उससे शांति से बात करके आऊँ, एंड शांति से बात तो वो तो सीधा बोलता है मैं तो डिवोर्स दूंगा ही नहीं, तुमको जो करना है तुम वो कर लो, मैं अगर इतनी ही गंदी लड़की हूँ तो भाई डिवोर्स देके ख़त्म करो ना, बट नहीं, दे डिड ही डिड दिस विथ मी लिटरली, एंड यू कैन सी मेरे पूरे होंठ स्वेलिंग है, ही वॉज सो एग्रेसिव ऑन बेड, और एक्चुअली बेटे को बहू के साथ रहना चाहिए, बट ये होता है जब माँ साथ में रहने नहीं देती है, यू नो, और दिस इज़ वॉट वी गो थ्रू इन द रिलेशनशिप, यू नो, ये मुझे खाने में दर्द हो रहा था, और नेक्स्ट डे आई रियलाइज कि मुझे तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, ये 21 मार्च का फोटोग्राफ लिया हुआ है, और 22 को मैंने अपने लॉयर को फ़ोटो भेजा, मैंने कहा ये हुआ है मेरे साथ में, एंड दैट्स व्हेन वी फाइल्ड फर्स्ट पुलिस कंप्लेंट ऑन 23 मार्च,
दिस वॉज माई सिचुएशन। सुरभि जी, और क्या क्या चीज़ें अजीब हुई इस मैरिज में कि आपको लगा कि नहीं ये गड़बड़ है? मुझे लग रहा, मुझे ना जैसे किसी ने ना बांध दिया है और ना स्लोली आई रियलाइज आई स्टार्टेड गोइंग टू द साइकोलॉजिस्ट इन अंबानी हॉस्पिटल। फिर देन आई रियलाइज कि ना ये कुछ और ही है, समथिंग जो मैं, मतलब मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। अच्छा। मैं अपने कंट्रोल में बहुत रहने वाली लड़की हूँ मैं, यू नो, बहुत ही वियर्ड हो गई थी मैं। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इट हैज़ टू बी ब्लैक मैजिक। आई स्टार्टेड यूट्यूब पे वीडियोस देखना, नेट पे देखना कि जब ब्लैक मैजिक होता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। ब्लैक मैजिक से आपको फाइनेंस तोड़ दिया जाता है। तो अब मैं सोचूँ ये कि या तो इन लोगों ने मुझे कुछ खिला दिया होगा। फिर मैं ये सोच रही थी कि देन आई रियलाइज कि जब मुझे पहली बार वहाँ पे पीरियड्स आए थे तो मैं वो पैड को डिस्पोज करने के लिए मैं ढूंढ रही थी कहाँ डिस्पोज करना चाहिए। तो मेरी मदर इन्होंने बोला तुम वहीं डस्टबिन में रहने दो, मैं कर दूँगी। एंड हर कोई, ये लड़की, हर एक लड़की जानती है कि कोई भी किसी और का पैड को हाथ भी नहीं लगाता है, चाहे आप कितना भी पीरियड्स के पेन में हो, आपको वो खुद ही डिस्पोज करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉबेबली वो पीरियड के पैड से उन्होंने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जितने भी मैंने यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखे या जो भी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक बात उनको शायद ही पता नहीं होगा, ब्लैक मैजिक रिवर्स करता है, सामने वाले पे हो नहीं हो वो रिवर्स करता है। जब करता है ना तो फिर आपकी बजेगी, बहुत तगड़ी बजेगी। मैं तो पूजा पाठ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगी, मैंने शुरू भी कर दिया प्रोटेक्ट करना, बट आपका रिवर्स जब होगा ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। सुरभि, बहुत करेजियस हैं आप और बहुत ही स्ट्रांगली आप फेस कर रही हैं और आपसे बहुत सारी औरतों को हिम्मत मिलने वाली है, वो अपने लिए खड़ी होकर बोलने वाली है। हमने भी आपके कुछ वीडियोस किए थे, जैसे ही आपकी न्यूज़ मीडिया में ब्रेक हुई तो हमारे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने आपकी स्टोरी सुनी और कुछ सवाल वो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो कुछ क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। शशि चंदा करके एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि आप एक्ट्रेस हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपने भी पैसा कमाया होगा, आप अगर आके ऐसे टूट जाएंगी तो जो आम महिलाएं हैं उनका क्या होगा? ओके, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। 5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरे ख्याल से। 5 साल मैं तो क्या, कोई भी अगर काम नहीं करेगा तो किसी के पास भी पैसे नहीं होंगे। तो 17 में तो बिकॉज आई वॉज, मैं बहुत सारे लड़कों से बात कर रही थी इसलिए मैंने काम नहीं लिया। 18 प्रवीण ने काम नहीं लेने दिया मुझे कि नहीं नहीं हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, जो कि सही था। 4 या 5 महीने मैंने 18-19 में शूट किया, दैट्स इट, इन टोटैलिटी 5-4 मंथ्स। वो पैसे भी मैंने शादी में लगा दिए। 19 में शूट नहीं करी थी, 20 से हम लॉकडाउन में थे, 20, 21, 22 का भी वही हालत है। अब कोविड कम हुआ है तो चीज़ें नॉर्मल हुई है। तो प्रैक्टिकली 5 साल अगर कोई काम नहीं करेगा तो मुझे बता दीजिए किसके पास पैसे होंगे। एक पिंटू वर्मा करके हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कहना है कि उनको बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुनकर, लेकिन एक बात वो पूछना चाहते हैं कि आप इतने समय तक फिर साथ क्यों रही और इतना लेट आपने डिसीजन क्यों लिया? इतना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, आई कांट टेल यू। और मुझे घर से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जानता नहीं है, मैं अकेले, सब मैं और मेरे दोस्त के कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने सपोर्ट किया तो उन्होंने थरली सपोर्ट किया मेरे दोस्तों ने, जब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे थे। बट देन व्हेन इस बीच जो उनके सारे मेरे कॉन्वर्सेशन जब मैं उनको फॉरवर्ड करने लग गई तब उनको पता चला कि ये बहुत शिट है, बहुत ज्यादा ही है। ये भी तो उसे ऑप्शन दे रही थी ना कि भाई नहीं हम कोर्ट कचहरी करते हैं, म्यूचुअल में कर लो। मैं ये भी तो कर रही थी, 8 महीने से कर रही थी, बट जब नहीं माना तो फिर करना पड़ा। वो नहीं देना चाहते डिवोर्स, वो आज भी शायद मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते। अच्छा। लेकिन जो एक घर बसाने के लिए जो कदम जरूरी होते हैं वो कदम भी नहीं उठाना, उसकी परवरिश ही नहीं घर बसाने की, तो उसकी परवरिश ही नहीं है तो कहाँ से घर बसाएगा वो, माई वैसी नहीं है। तो फिर एक और व्यूअर हैं जिनका नाम मौनी पांडे हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि वो इनके किराएदार रह चुके हैं, आपके जो हस्बैंड हैं उनके, काफ़ी टाइम तक। और उन्होंने लिखा है कि ये झूठ है, उनके पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी रेंटर रही हूँ 7 सालों तक, फैमिली रिश्ता था, भैया तो ड्राइवर अपने नौकर लोगों को भी दिल खोल के खिलाते थे, सो ही इज़ अ काइंड पर्सन।
कि आई सेड ना वो बंद कमरे में कुछ और होता है और सबके सामने कुछ और होता है. वो इतना ही अगर काइंड है तो मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ कि 12 13 14 साल के बच्चे उनके यहाँ घर में एज अ सर्वेंट काम करते हैं. तो अगर वो इतने ही काइंड हैं तो एक 19-20 साल का लड़का रखते थे ना, वाई चाइल्ड लेबर. और चाइल्ड लेबर उसकी माँ पेपर साइन करती थी, बट वो मुझे बोलती थी कि इनसे काम करवाओ, और मेरा कलेजा नहीं था उनसे काम करवाने का. और इनके दिल्ली के लेबर जो हैं वो टिकते नहीं हैं, छठवां महीना हुआ नहीं कि सारे भाग जाएंगे. सुरभि थैंक यू, ये बहुत हिम्मत चाहिए कि आप फेस कर रही हैं और साइड बाय साइड अपनी लड़ाई भी लड़ रही हैं. वी होप कि आपको सक्सेस मिले और जो आप चाहती हैं वो हो. आगे अब इंडस्ट्री में आप काम करेगी, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में हमें नज़र आएंगी, आपके फैंस को इंतज़ार है फिर से आप स्क्रीन पर नज़र आए उसके लिए. या आई वॉन्ट टू कम बैक, दिस इज़ माई हाउस. सिनेमा ही माँ ही समझ आ गया. कई बार मैं लिख भी चुकी हूँ अपने फेसबुक पे, बट I want to come back. I'm missing my camera. I'm missing that chaos. कल का एपिसोड नहीं है, वो सब पागलपन थी. I'm missing. बहुत साल हो गया. I want to get back now. Soon. तो आप projects कर रही हैं कुछ? अभी कुछ concrete नहीं हुआ है, but talks are on. मैं बहुत जल्दी करूँ. तो जल्द ही सुरभि जी ने promise किया है कि वो हमें फिर से screen पर नज़र आएंगी. वाकई में shocking है कि जिस actress ने टीवी पर कई किरदार निभाए, रियल लाइफ में उनके साथ इस तरह का चैलेंजिंग सिचुएशन होगी और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी. अब तक ये कहानियाँ कह रही थी, आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी कही है. सुरभि जी की ये पूरी बात सुनकर आपको क्या लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. और थैंक यू सुरभि जी बॉलीवुड ठिकाना पर आने के लिए, हमारी ऑडियंस से जुड़ने के लिए. Thank you.